आ रही हूँ। ओह गॉड, अच्छा लिपस्टिक लगा के आ रही हूँ। अरे भाई कहाँ गई लिपस्टिक मेरी? ओह नो। Do you want to apply your eyeshadow in less than 2 minutes? Or do you want your eyeliner to take less than a minute? What about your lips and cheeks? Less than a minute too? If yes, then you are at the right video. Please keep watching. And welcome to my channel Sparkle with Mariam. मैं हूँ मरियम, आपकी ब्यूटी गाइड। सुपर बिजी मॉम्स के पास मेकअप से पहले फेस प्रेप करने का टाइम नहीं होता, इसलिए आज मैंने भी सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है, एक्स्ट्रा ग्लो के लिए फेस पे निक्स का ड्यूई फिनिश स्प्रे किया है और लिप्स को पामस के लिप बटर के साथ मॉइस्चराइज किया है। पीछे से बच्चे रो रहे हों तो फाउंडेशन और कंसीलर लगाने का टाइम किसके पास होता है, तो इसलिए आज मैं सिर्फ अपनी रिमेल की बीबी क्रीम लगा रही हूँ जो सुपर क्रीमी है बट एट द सेम टाइम स्टिकी नहीं है। फेस पे विद इन नो टाइम ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है और स्किन को वन टोन कर देती है। क्योंकि ये बहुत थिक नहीं है इसलिए नेचुरल फिनिश देती है, मतलब कवरेज भी देती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। आप अपनी चॉइस की कोई भी बीबी क्रीम लगा सकते हैं या टिंटेड मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। अगर ब्रश और स्पॉन्ज अवेलेबल ना हो तो फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हैं। बीबी क्रीम को सेट करने के लिए हम हल्का सा कोई भी सेटिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। मैंने यहाँ मेबेलिन का फिट मी मैट प्लस पोलस पाउडर लगाया है। आईब्रोज के लिए मैंने रिमेल का ब्रो दिस वे ब्रो स्कल्प्टिंग किट यूज़ किया है इन शेड डार्क ब्राउन। इसमें ड्राई एंड क्रीमी दोनों तरह का शेड है जिसकी वजह से फटाफट आईब्रोज शेप हो जाती हैं। मैंने एंगल ब्रश और स्पूली ब्रश भी इसी किट का यूज़ किया है और एंगल ब्रश को यूज़ करते हुए पहले स्पार्स एरियाज़ को फिल किया है और फिर स्पूली ब्रश के साथ आईब्रोज को सेट कर लिया है। फेस को डायमेंशन देने के लिए कॉन्टोरिंग तो ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन लाइट सी कॉन्टोरिंग ज़रूर करूँगी। मैंने क्रिस्टीन का हाईलाइट प्लस कॉन्टोर किट यूज़ करते हुए कॉन्टोर ब्रश के साथ अपने चीक्स, नोज़, फोरहेड और जॉ लाइन को कॉन्टोर कर लिया है। क्योंकि हमने बेस लाइट रखा है और सिर्फ बीबी क्रीम यूज़ की है इसलिए इस लुक को कॉन्टोरिंग भी लाइट ही सूट करेगी और बहुत नेचुरल लुक देगी। फेस को एक बार फिर सेटिंग स्प्रे से सेट कर लेंगे। अब बारी है मेरी पहली मैजिकल ट्रिक की। इस ट्रिक से आप लेस दैन 2 मिनट्स में अपना आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अपने ड्रेस के मुताबिक एक लाइट, एक मीडियम और एक डार्क शेड चूज़ करें। मैंने क्रिस्टीन के आई शेडो पैलेट से शेड्स लिए हैं। पहले लाइट शेड आई शेडो एप्लीकेटर से अपनी आईलिड के इनर कॉर्नर में प्लेस कर दें। उसके बिल्कुल साथ मीडियम वाला शेड सेम एप्लीकेटर से प्लेस कर दें और फिर उसके बिल्कुल साथ डार्क वाला शेड आउटर कॉर्नर में प्लेस कर दें। अब आपको कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी, बस सिर्फ एक थिक एंड स्टिफ ब्रश लें और पहले 2 शेड्स पे ब्रश को डैब करें। 2 से 3 डैब्स में ही आई शेड ब्लेंड हो जाएंगे और फिर उसी ब्रश से आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड को मीडियम के साथ डैब करें। विद इन नो टाइम तीनों शेड्स ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी ट्रांजिशन शेड लेकर क्रीज पे लगा लें और उसे भी डैब करते हुए ब्लेंड कर लें। मैंने काशीज़ के सिल्क एंड स्लीक पैलेट से रॉयल्टी शेड यूज़ किया है। ये टेक्निक बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी है और बिजी मॉम्स या वर्किंग लेडीज़ के लिए भी। थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करने के लिए मैंने काशीज़ के ही पैलेट से ल्यूमिनस शेड अपनी आईलिड के सेंटर में लगाया है। इस टेक्निक से आंख बड़ी भी नज़र आती है। अब आती है हमारी सेकेंड मैजिकल ट्रिक जो कि आपका दिल खुश कर देगी और आप मुझे दुआएँ देंगे। आईलाइनर लगाना एक कॉन्सेंट्रेशन वाला काम है। टाइम ना होने की वजह से या बच्चों के तंग करने की वजह से अक्सर लेडीज़ बड़ा परेशान होती हैं कि परफेक्ट लाइनर कैसे लगाएं, तो बस ये ट्रिक इस्तेमाल करें। बजाय जेल लाइनर, पेंसिल लाइनर या लिक्विड लाइनर के मैट ब्लैक आई शेड और एक थिन एंगल ब्रश यूज़ करें। एंगल ब्रश की मदद से लैश लाइन को शेड से लाइन कर लें। क्योंकि ये शेड है तो फैलने का डर नहीं होता और ना ये कि ड्राई हो जाएगा, तो फिक्स कैसे करेंगे, बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाता है और एकदम परफेक्ट आईलाइनर का लुक देता है। तो कर दिया ना मेरी इस ट्रिक ने आपका दिल खुश। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इसे ओमिट कर दें। ट्रांजिशन शेड जो मैंने क्रीज लाइन पे लगाया था वही शेड लोअर लिड पे एक थिन ब्रश से लगाकर मामूली सा ब्लेंड कर लें और फिर ब्लैक शेड को भी लोअर लैश लाइन पे हल्का सा ब्लेंड कर लें। अब ब्रो बोन को एक थिन ब्रश के साथ काशीज़ के सिल्क एंड स्लीक आईशैडो पैलेट में से ल्यूमिनस शेड के साथ हाईलाइट कर लें और किसी भी काजल पेंसिल के साथ अपनी वाटर लाइन और टाइट लाइन को फिल कर लें। मस्कारा हमारी आईलैशेस को इन्हांस करता है और हमारे आई मेकअप को एक फिनिशिंग लुक देता है। मैं यहाँ पर एक न्यू मस्कारा यूज़ कर रही हूँ क्लारा कॉस्मेटिक्स से, इसका नाम है टोटली लैश्ड आउट। आप अपनी पसंद का कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्ट एंड ग्लोई मेकअप लुक की मेरी फाइनल एंड बहुत इफेक्टिव मैजिकल ट्रिक है चिक्स एंड लिप्स के लिए। बहुत ही हैंडी एंड बहुत ही खूबसूरत से कलर का ये टिंट। जब बहुत जल्दी हो तो बस अपनी पसंद का कोई भी टिंट लें और चिक्स पे अप्लाई करके ब्लशर ब्रश से पैड करें और हो गया ब्लश कंप्लीट। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एट्यूड हाउस का डियर डार्लिंग वाटर जेल टिंट इन नंबर PK004। इसी तरह उसी टिंट को लिप्स पे लिपस्टिक की जगह लगाएं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कंप्लीट लुक दिया है इस टिंट ने चिक्स एंड लिप्स पे। अब बारी है हाइलाइटर की, जो कि ऑलमोस्ट हर लेडी का फेवरेट कॉस्मेटिक है। मैंने क्रिस्टीन के हाईलाइट एंड कॉन्टोर किट से अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, मतलब ब्रिज ऑफ नोज़, टेम्पल ऑफ फोरहेड, चीक बोन्स एंड चिन। और इसी हाइलाइटर से मैंने अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट किया है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्विक मेकअप लुक स्पेशली फॉर बिजी मॉम्स, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आसान कर देगा। आपके रेफरेंस के लिए प्रोडक्ट्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ येस तो आपको पता है कि क्या करना है। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।